साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से साईं होने का प्रारंभ हुआ। और खासकर मैं साईं बाबा का आशीर्वाद लेके शिरडी के साईं बाबा का मैंने कार्य को प्रारंभ किया और आज पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं। हमेशा मुझे एक बात की खुशी होती है कि साईं वाणी का मकसद है लोगों के जीवन में बदलाव लाना, उनको ध्यान और मेडिटेशन के प्रति एकाग्र करना और वो एकाग्र करने के बाद उनके जीवन में क्रांति लाना। साईं बाबा के विचार साईं वाणी के माध्यम से आप सोच एकदम शांति से सुन रहे हैं और वो विचार जब अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करके उस चीज़ को अपने जीवन में कार्य में परिवर्तित करना बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए साईं वाणी का प्रारंभ होता है। विचार बहुत बड़ी चीज़ है, जब मन में विचार आते हैं तो हम पूर्ति कर सकते हैं और इन्हीं विचारों के प्रति मैं विश्वास के साथ अड़िग हूँ, प्रामाणिक हूँ और बहुत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ एक साईं का भक्त। कुछ कर गुजरने के लिए भाइयों मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और यह संकल्प है हमारा दृढ़ता के साथ कदम डालना और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति पहुंचना। कैसे पहुंचना पड़ेगा, इसके लिए मैं आज एक पंचसूत्र आपको कहने जा रहा हूं। आज का प्रश्न है महाराष्ट्र से भुसावल से राम शरण शुक्ला साहब ने पूछा है। शुक्ला साहब रेलवे में काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं जब शाम का मेरा नाइट शिफ्ट होती है तो मैं आपका साईं वाणी सुनता हूँ सुनी जी यूट्यूब चैनल पे, खासकर साईं वाणी चैनल पे जाके मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं इतना ही कहूँगा शुक्ला साहब, आपने जो प्रश्न पूछा है वो मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर पूछते तो अच्छा होता, लेकिन मैंने उसका अर्थ ऐसे निकाला है कि सच में साईं भगवान है क्या। अभी ये प्रश्न इतना, देखो मैं हर प्रश्न को लेता हूँ, जो प्रश्न मुझे मेरे भाई भक्त पूछते हैं, जो प्रश्न भले संदिग्ध भी हो, भले उनमें कुछ प्रश्न भी हो, तो वो सच्चे प्रश्न है क्योंकि उनके मन में वो शंका क्यों है। भगवान है क्या, हवा दिखती है लेकिन आप कहोगे हवा है क्या, लेकिन जब सांस लेना बंद होगा, जब आप सांस नहीं ले पाओगे तभी आपको पता चलेगा हवा है क्या नहीं, हवा का अस्तित्व है क्या नहीं। कई भी आंखों से हवा नहीं दिखती, उसमें ऑक्सीजन नहीं दिखता, हाइड्रोजन नहीं दिखता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखता, लेकिन वो हम महसूस करते वो है क्या नहीं। उसी प्रकार अपने खुद के जीवन में हम भगवान है क्या नहीं, ये हवा की तरह है। भगवान है इसलिए तो हम है, हम जिस कार्य को हमारा सांस बंद होने में 2 मिनट लगता है, आदमी जो मैं करता है। मैं फिर से कहूंगा आज का जो प्रश्न है उन्होंने पूछा है साईं बाबा है क्या नहीं, तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूं, साईं बाबा है, साईं बाबा रहेंगे और साईं बाबा थे और साईं बाबा आज भी है और आगे भी रहेंगे। श्रद्धा और सबूरी हम साईं वाणी के सभी भक्तों को और खासकर शुक्ला साहब, मैं आपको कहना 2-3 उदाहरण से कहना चाहूंगा। मैं पहला उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं। बीज में अंकुरने की ताकत होती है लेकिन उस बीज को जमीन मिलनी चाहिए और एक बार जमीन मिल गई तो वो बीज का पेड़ बनेगा और वही पेड़ से पूरा जंगल और पूरी धरती में हरियाली हो सकती है। उसी प्रकार ध्यान की क्रिया से इंसान का नर का नारायण बन जाता है। हम जो काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार की षड्विकार से जुड़े हैं उनको हम बहुत अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे और उनको सीमित रखेंगे। मैं स्वयं की साधना और आराधना करते समय मैं एक बात आज बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूं और एक कहानी से कहना चाहूंगा। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, अब उसको ठीक से समझिएगा। जब एक राजा ऐलान करता है कि मेरा वजीर जो कहेगा वो मैं करूंगा, क्योंकि वजीर उनको हमेशा सही सलाह देता है, लेकिन वो वजीर बूढ़ा होने के बाद राजा कहता है मैं नया वजीर रखना चाहता हूं।
आप आई और वजीर की प्रतियोगिता में सहभागी हुई है। बहुत सारे लोग सहभागी होते हैं लेकिन उसमें से तीन चुने जाते हैं और तीनों को कहा जाता है कि आप एक ऐसा ताला है अपने राज्य में, उसको आपको खोलना है। सब तीनों के तीनों पढ़ाई पे बैठ जाते हैं लेकिन पहले वाला शांत होता है, वो बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं करता, शांत मेडिटेशन करते बैठता है। दूसरा बहुत किताबें लाता है, रात भर पढ़ाई करता है। तीसरा तो बहुत सारी किताबें लाता है, इधर उधर सब दोस्तों को प्रश्न पूछता है, बहुत बहुत वाइबल हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है। पहला शांति से सुबह आराम से रात भर सो के सुबह उठता है और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके फिर से एक घंटा ध्यान मेडिटेशन करके सीधा उठता है अंदर से और बाहर निकल जाता है। ये दोनों तब तक किताबें ही पढ़ते रहते हैं। उन्होंने देखा था सिर्फ ताला लगा था, ताले को कोई लॉक नहीं किया था, सिर्फ ताला लटका हुआ था और दरवाजा तो खुला ही था। हमारे जीवन में भगवान का इतना आसान रास्ता है, हमें सिर्फ वहां ध्यान के माध्यम से प्रवेश करना है, फिर प्रश्न नहीं आएगा कि भगवान है क्या नहीं। अगर भगवान नहीं है तो अस्तित्व कौन चला रहा है। साई बाबा अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो कोई भक्त बुरा भी कार्य करे तो बाबा उसको सहयोग इसलिए देते कि उसका कर्मा होता है और जिस दिन उसका कर्मा खत्म होता है वो उसको पिछले जन्म का जो पुण्य थी वो इस जन्म में अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाता। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि साई बाबा ने वो तीसरे भक्तों को मेडिटेशन के माध्यम से पहले भक्त को कहा कि उठ, तुझे ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, तुम कितना ज्ञान इकट्ठा करोगे बताओ मुझे। इस विश्व में इतना ज्ञान है, इतने सारे शास्त्र है, सब हम इकट्ठा कर सकते हैं। जो हमारे जीवन में सबसे नडी सबसे पास है, सबसे एकदम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उसी चीज को इस्तेमाल करके भी हम हमारा जिंदगी जी सकते हैं। कुछ चंद लोग आप अपने आजू बाजू में देखो, कम ज्ञानी होते हैं लेकिन समझदार होते हैं। उनके पीछे दुनिया होती है, उनके शब्द को विश्वास होता है और लोग उनके प्रति बहुत शांति से उनको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको पूछते हैं। और कुछ बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन उनके पास ना कैरेक्टर होता है, ना कम्युनिकेशन होता है, ना उनके पास कमिटमेंट होती है, ना उनके पास कोई शाश्वत काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। अंतिमतः मैं अभी इस बात पे अड़िग हूं कि भगवान है उसको उसी को ही पता चलेगा जो इंसान ध्यानी है, और जो साई क्रिया करेगा उसको साई ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब साई ध्यान होगा तो ये प्रश्न आएगा ही नहीं। इसके प्रश्न का मैं आज कहना चाहता हूं, शुक्ला साहब के प्रश्न का उत्तर है, साई बाबा है, साई बाबा थे, साई बाबा एक बड़े संत है, साई बाबा भगवान है। आज भी वो अनुभूति देते हैं अपने भक्तों को, अगर आपकी श्रद्धा उतनी निर्मल है तो, क्योंकि साई बाबा का जीवन ही सत्य, साई बाबा का जीवन ही श्रद्धा, साई बाबा का जीवन ही सबूरी, साई बाबा का जीवन ही कोई भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्रारंभ करो जारी रखो, और साई बाबा का जीवन ही है सादगी, शांतता, समृद्धि, समाधान, एक अपने भक्तों के प्रति एक विश्वास और उसी विश्वास के तौर पर जीवन में बदलने की क्रांति। इसीलिए मैंने बहुत पुणे के नजदीक देवगांव गाड़ा में साई बाबा के एक बड़े अधिष्ठान का प्रारंभ किया वहां। इसमें अभी वीडियो में आप आखिरी में देखोगे, जरूर इस वीडियो को आखिरी में आप सब सुन लेना, क्योंकि इसका मतलब है हम जो कार्य करने जा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है और यह हमने शुरुआत की। यह शुरुआत करने का मकसद ही था कि इस सेंटर में आके लोग आए, अपने पूरी तरह से जो भी जीवन की समस्या है उसके लिए ध्यान और क्रिया के माध्यम से उस समस्या के प्रति सजगता से देखे और वो समस्या को दूर करे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और दावे के साथ आज मैं सबको ऐलान करना चाहता हूं, साई वाणी और साई ध्यान का जो प्रारंभ हमने किया है उसी को हमने जीवन में बदलने के लिए क्रांति की, और ये क्रांति सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण क्रांति है। और इसके लिए मैं खासकर मेरे सभी शहरवासियों को और गांव के मेरे सभी साई भक्तों को ऐलान करना चाहता हूं कि आज यहां से आप संपर्क करें, किस तरह से अपना सेंटर शुरू करना चाहिए साई वाणी का, अपने यहां का, अपने खासकर कॉरपोरेशन के, महानगर पालिका के और नगर पालिका के जो गार्डन होते हैं उसमें जो सभागृह होता है उसमें आप हर दिन एक दिन शाम को सुबह या शाम दोनों तरफ अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों समय अगर आपने किया तो, लेकिन मैं एक घंटे का बायफर्केशन, जो भी उसका डिवाइडेशन है, जो भी उसका समय का इस्तेमाल किस तरह से करना है, मैं इस साई वाणी की इस भूमि से तो मैं कहूंगा, लेकिन मैं उसी सभी मेरे भाई बहनों को ऐलान करना चाहता हूं, एक प्रकार का निवेदन करूंगा कि आप आओ
साई ध्यान का ये सेंटर जब आप शुरू करते हो तो आपके जीवन में क्रांति होगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले कहा है तूफान आएगा। साई वाणी का ये जो विचारों का मैं प्रघार यहाँ से आस्था चैनल से आस्था भजन से, उसमें सिर्फ ये भाषण है, ये तूफान नहीं है, ये कोई साई वाणी का साई बाबा ने दिया हुआ संदेश मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन भाई और बहनों, आपको अपने क्षेत्र में हर दिन अपने घर में अपने सेंटर में अपने मन में अभ्यास करना पड़ेगा, और यही अभ्यास जीवन में क्रांति लाएगा। ऐसा नहीं है कि साई वाणी सुना और जीवन परिवर्तन हो गया। हाँ, साई वाणी ने आपको एक विचार दिया है, इस विचार को साई बाबा के आशीर्वाद से एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे यानी मैं खुद आपको जो मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा हूं उसमें जुड़ के अपने जीवन में क्रांति करनी है, और वही क्रांति अपने जीवन में भक्ति लाने की और शक्ति को जोड़ने की क्रांति है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और साई वाणी का सेंटर शुरू करना यह हमारा पहला संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, वैचारिक संकल्प है और प्रगल्भ संकल्प है, क्योंकि इसी धारा से हम कुछ करने जा रहे हैं। हमें करना है, हमें शिक्षा में क्रांति करनी है, हमें मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने है, हमें आयुर्वेदा के साथ जीवन में बदलाव करना है, और साईवानी trust.org के माध्यम से ई कॉमर्स का ये जो व्यापार उद्यम होगा उसी से जीवन में क्रांति होगी और हजारों भाई बहनों का जीवन बदलेगा। क्योंकि अपने जीवन में स्तर ऊंचा उठाना, वैचारिक स्तर को उठाना, समस्याओं को पूरी तरह से झोंक के देखना और उस समस्या को अपने जीवन से दूर करना, यही तो साईवानी का लक्ष्य है। हमें हमारे जीवन में जो हमने पाया है वह जीवन ही आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। आपके जीवन में जब तक बदलाव नहीं होता, अच्छे दिन नहीं आएंगे आपको, तब तक हमारा साई वाणी सुन के कुछ फायदा नहीं है। खासकर मैं साउथ इंडियन मेरे सभी भाई बहनों को कहना चाहूंगा, दे आर डिमांडिंग मी टू मिस्टर स्कर्फे प्लीज गिव द लेक्चर्स इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल। यस डेफिनेटली, द 2nd of October 2023 आस्था भजन पे 3 दिन भी मैं इंग्लिश का साई वाणी का प्रयास करूंगा। मैं उन्हीं भक्तों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। भाषा एक माध्यम है लेकिन साई का विचार ही हमारा ध्यान है, हमारा लक्ष्य है। मैं इतना ही बहुत तह दिल और नम्रता के साथ क्यों कहता हूं। कहानियां तो मैं बहुत कहता हूं, मेरे पास 9-10 हजार कहानियों का जो संग्रह है वो आप ही लोगों के जीवन बदलने के लिए है। लेकिन मेरा मूल मकसद है, मुख्य मकसद है, अंतिम लक्ष्य है कि आपके जीवन में साई क्रिया करके आप साई ध्यान की तरफ चले। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। हमारे जीवन में बाबा ने दी हुई शक्ति को अंधेरा छटने का जो कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि द्विधा मनस्थिति में आज बहुत सारे, जैसे शुक्ला साहब ने प्रश्न पूछा कि साई बाबा है क्या नहीं, भगवान थे क्या नहीं थे। शुक्ला साहब, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, आज भी हजारों करोड़ों लोग शिरडी में आके एक अलग प्रकार की चेतना, औरा, अभा शक्ति को लेके अपने नैराश्य भरे जीवन को सकारात्मक सोच से बदलाव करके जीवन में क्रांति करते हैं, खुश रहते हैं और जीवन में बदलाव लाते हैं। इसी को तो हम बाबा की शक्ति कहेंगे, इसी को तो सर्वधर्म समभाव का नारा देंगे, और इसी विचार के प्रति हम सजगता के साथ जुड़ के हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वो है हमारा जीवन में सुख शांति का लक्ष्य। और यह लक्ष्य बड़ी छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत क्रांति वाली बात है। हमें हमारे जीवन में क्रांति करनी है। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि आओ पहले साई वाणी सुनो, फिर साई क्रिया हर प्राणायाम शक्ति को बढ़ाओ। एक प्राणायाम ऐसी शक्ति है आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। लेकिन आप रुकने ही वाले लोग हैं। कुछ लोग थोड़े दिन 2-4 दिन का प्रयास करते हैं रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको सातत्य के माध्यम से, कंटिन्यूटी के माध्यम से लगातार उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं होता है ध्यान, आते ही विचार आने दो, दबाओ मत उसको। मैं उस योग के प्रति, साई क्रिया और साई ध्यान को, ध्यान योग के प्रति मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आपको पहले भूमि तैयार करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर पूरा विश्वास डालना पड़ेगा कि सुनील जी आप जो कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि आज तक हर दिन 1000 के ऊपर प्रश्न आते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग कम से कम सोचने तो लगे, अभी जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। आज 1000 के ऊपर जो उद्योजक बनाने का हमने साई वाणी ट्रस्ट के माध्यम से प्रयास किया। देखो ये साई वाणी एक ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम काम कर रहे हैं।
ये कोई निजी व्यवस्था के लिए नहीं है, किसी के सुख शांति के लिए। हमें हमारे जीवन में जो भी बाबा ने दिया बहुत कुछ है। हम मैं जो भी आज इसके आगे करना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में भला और कल्याण करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और उसी के लिए मैं बहुत विश्वास के साथ कदम डाल रहा हूँ। साईं बाबा ने अपने जीवन में जो सिद्धांत दिए हैं, भक्तों को जो आशीर्वाद दिया है, पुराने जमाने में जब बाबा थे वो जो चमत्कार दिए है, और आज भी वही चमत्कार साईं बाबा के भक्तों को सामने आते हैं, क्योंकि साईं बाबा के ऊपर उनकी पूरी श्रद्धा है। और ये श्रद्धा अध्यात्म के तौर पर हम आगे लेके जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आओ हमारे साथ जुड़ो, और जुड़ के अपने अपने एरिया में, अपने अपने विभाग में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने कुनबे में अपना एक सेंटर शुरू करो, जिस सेंटर का नाम है साई वाणी सेंटर। यहां से नंबर दिया जाएगा, हमारे ऑफिस से आपको संपर्क किया जाएगा, 9604050607, इस पे संपर्क करें और अपना सेंटर जल्दी ही शुरू करें। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देऊर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saiwanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saiwanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहां आए, ये बाबा की नगरी है।